हेलो बच्चों डीपीआर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास एट्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट हाउ वेन एंड वेयर जो कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स आपको मिलेगा यहाँ से अर्लियर हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विथ डेट्स जो पुराने ज़माने की जो ओल्ड हिस्ट्री थी इंडिया की वो डेट्स किसी नॉनमस थी मतलब उसका दूसरा नाम ही डेट था कि कौन सा वॉर कब हुआ हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स चेंज्ड हिस्ट्री पूरा किसके बारे में बताता है आपको कि पहले की चीज़ें कैसी थी और चीज़ें कैसे बदली प्रीवियस हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स जो ओल्ड हिस्ट्री थी जो मेडिवियल हिस्ट्री थी हम लोग की वो बैटल्स पर आधारित थी और बिग इवेंट्स पर आधारित थी जैसे एग्ज़ाम्पल द ईयर अ किंग वॉज़ क्राउंड वो ईयर जब राजा को मतलब किसी लड़के को राजा बनाया जाता है द ईयर ही वॉज़ मैरिड जब उसकी शादी होती है जब उसकी संतान होती है द ईयर ही फॉर्ट अ पार्टिकुलर वॉर और अ बैटल ईयर जब वो कोई बैटल लड़ता है कोई वॉर लड़ता है द ईयर ही डाइड और किस ईयर में वो मर जाता है द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन और अगला राजा कौन बनता है तो इन सारी चीज़ों पर मेडिवियल हिस्ट्री जो है हम लोग की वो आधारित है जो ओल्ड हिस्ट्री थी नाउ हिस्टोरियंस लुक मोर टूवर्ड्स वाई एंड हाउ थिंग्स हैपन एंड नॉट ऑन वेन थिंग्स हैपन लेकिन जो नए हिस्टोरियंस थे उन्होंने किस पर ध्यान दिया कि चीज़ें क्यों हो रही हैं और चीज़ें कैसे हो रही हैं न कि इस पर ध्यान दिया कि चीज़ें कब हो रही हैं अगला स्लाइड देखते हैं द डेट्स वी सेलेक्ट बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट जो भी तिथि जो भी डेट हम सेलेक्ट करते हैं चुनते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं जिसको कि हम इम्पोर्टेंट मानते हैं इसलिए हम उस डेट को याद रखते हैं इफ़ द फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट अगर हम अब उस हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका बदल दें तो हमें लगेगा कि कोई और ही डेट्स इम्पॉर्टेंट हैं न कि जो हम पढ़ रहे थे वो इम्पोर्टेंट है अगला स्लाइड देखते हैं ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया था इन एटीन सेवनटीन जेम्स मिल अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलासफ़र अट्ठारह सौ में जो जेम्स मिल थे एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलासफ़र इन हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू थ्री पीरियड्स इन्होंने हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था किसने जेम्स मिल में कब 1817 में हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश इन्होंने रिलीजन के नाम पर डिवाइड किया था हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश अकॉर्डिंग टू मिल ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप इनके अकॉर्डिंग जेम्स मिल के अकॉर्डिंग जो एशियन सोसाइटी है वो अभी सिविलाइज्ड नहीं है और सबसे लोअर लेवल पर सिविलाइजेशन है उसका एन एन अदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री हिस्टोरियंस है यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट मेडिवियल एंड मॉडर्न जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया है एनशियंट हिस्ट्री मेडिवियल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री द डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज दिस पीरियडाइजेशन इज बोरोड फ्राम द वेस्ट

मैनी हिस्टोरियंस रिफर्स ब्रिटिश रूल पीरियड एज कोलोनियल बिकॉज इन दिस रूल पीपुल डि नाट हैव इक्वलिटी फ्रीडम और लिबर्टी नो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस टुक प्लेस जो हिस्टोरियंस थे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश पीरियड को कॉलोनील पीरियड भी कहा है कोलोनियल रूल भी कहा है पीपुल डिड नाट हैव क्यों कहा है क्योंकि लोगों के पास इक्वलिटी नहीं थी फ्रीडम नहीं था लिबर्टी नहीं था आज़ादी उनके पास नहीं थी एकता जो इक्वालिटी थी वो नहीं थी नो इकोनॉमिक ग्रोथ कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था प्रोग्रेस टुक प्लेस अगला स्लाइड देखते हैं व्हाट इज कोलोनियल द ब्रिटिश केम टू कंक्वायर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल सब्जुकेटिंग लोकल नवाब्स एंड राज जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत को कॉन्क्वायर कौन, किया भारत पर शासन किए भारत को अपना गुलाम बनाए कैसे सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास, उन्होंने पहले जो वहाँ के राजा थे जो नवाब थे उनको कंट्रोल किया उनको हराया और तब इंडिया पर अपना कंट्रोल किया ब्रिटिश स्टेब्लिस्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी कलेक्टेड रिवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे इंडियंस से अपने जो भी खर्चे थे उनको चलाने के लिए कुछ भी अगर देश में बनाना है कोई भी मोनूमेंट बनाना है कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो वो टैक्सेस से कलेक्ट करके बनाते थे बॉट द गुड्स दे वॉन्टेड एट लो प्राइजेज जो भी उन्हें चाहता था वो उन्हें उस चीज़ को कम दाम में खरीद लेते थे प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट और क्रॉप्स जो उनको चाहता था वो प्रोड्यूस करवाते थे इंडियंस से ब्रिटिश रूल ब्रॉड अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट कस्टम्स एंड प्रैक्टिस मतलब जो भी उनका कल्चर था वो भारत पर थोपना चाहते थे वो अपने कल्चर को वेन द सब्जुकेशन ऑफ वन कंट्री बाई एनअदर लीड्स टू दिस काइंड ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल चेंजेस वी रिफर द प्रोसेस ऑफ कॉलोनियलाइजेशन मतलब जब कोई कंट्री अपने कल्चर को अपने पॉलिटिकल थिंग्स को अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को किसी कंट्री पर थोपे तो उसको कॉलोनियलाइजेशन कहते हैं थोप दे किसी कंट्री पर रूल करें तो उसको कॉलोनियलाइजेशन कहते हैं अगला स्लाइड देखते हैं हाउ डू वी नो हमें कैसे पता चलता है हिस्टोरियंस यूज वेरियस सोर्सेज इन राइटिंग अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिया और लास्ट 250 इयर्स ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री चीज़ें हमें कैसे पता चलता है कि कब कौन सी चीज़ हुई कब कौन सा एक्ट लाया गया तो ये चीज़ें ब्रिटिशर्स सारी चीज़ों को लिख के रखते थे और वहाँ से हमें पता चला है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर रिकॉर्ड प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जो इम्पोटेंट सोर्सेस हैं इंडियन हिस्ट्री के इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं एवरी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन वॉज़ रिटन एज ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट जो भी इंस्ट्रक्शन था प्लान थी पॉलिसी थी उनका डिसीजन था एग्रीमेंट था इन्वेस्टिगेशन मतलब वो सारी चीज़ों को लिख के रखते थे कौन ब्रिटिशर्स उनका ये मानना था कि किसी चीज़ को लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रिटिश सेटअप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन एज दे फील्ड दैट आल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व जो भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड थे उसको एक बिल्डिंग में एक रूम में बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जाता था ताकि वो खराब ना हो जाए अगला स्लाइड देखते हैं सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट सर्वे जो था वो कैसे इम्पोर्टेंट बना इसको देखते हैं द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड दे फोर प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम बिकेम इन कॉमन अंडर द कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये मानना था किसी भी कंट्री को चलाने के लिए पहले उसके बारे में जानना जरूरी है वहाँ पे कितने लोग हैं किस कास्ट के लोग हैं किस रिलीजन के लोग हैं और उनका कल्चर क्या है तो इन चीज़ों के लिए वो सर्वे करवाते थे अर्ली नाइन्टीन सेंचुरी डिटेल्ड सर्वेज वर बींग कैरीड आउट टू मैप द इंटायर कंट्री इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड टू नो द टोपोग्राफी द सोयल क्वालिटी द फ्लोरा फोना द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न तो इन सारी चीज़ों के लिए सर्वे किया जाता था वहाँ पे। सोयल क्वालिटी के लिए फ्लोरा और फोना के लिए लोकल हिस्ट्रीज के लिए और क्रॉपिंग पैटर्न के लिए कि वहाँ पे क्रॉपिंग कैसे होती है फ्राम द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी टेन ईयर्स विच प्रोवाइड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ़ पीपुल इन ऑल द प्रोवेंसेस ऑफ इंडिया नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट रिलीजस एंड ऑक्युपेशन कास्ट रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी पर जो रूल था इनका उसमें ये लोग सेंसस करवाते थे जिसे जनगणना कहते हैं और वो हर साल पर किया जाता था क्यों किया जाता था उन्हें पता चले कि उनके प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पे कितने लोग हैं और उनका कास्ट क्या है रिलीजियन क्या है और ऑक्यूपेशन क्या है इसके लिए हर टेन दस साल पे वो सेंसस करवाते थे अदर सोर्सेज सच एज बुटैनिकल सर्विस जूलॉजिकल सर्विस आर्कियोलॉजिकल सर्विस एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्विस फॉरेस्ट सर्विस ऑल्सो डन और वहाँ पे बोटोनिकल सर्वेज भी होते थे जियोलॉजिकल भी सर्वेज होते थे आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होते थे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज होते थे और फॉरेस्ट सर्वेज होते थे वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताते हैं ऐसा तो है नहीं कि वो सारी चीज़ें हमें बता देंगे कुछ चीज़ें हमें बाहर से भी पता चलती हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल वॉट अदर पीपुल इन द कंट्री फेल्ट वॉट लिव बिहाइंड देयर एक्शंस वी नीड टू लुक दीज थिंग्स इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स विच आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये चीज़ें नहीं थी कि जो भी एक्ट लाया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा उससे जो पेजेंट्स हैं जो फार्मर्स हैं जो गरीब लोगों लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो रही हैं ज़मींदार्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो रही हैं तो इन सारी चीज़ों को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं देखा गया तो इसके लिए न्यूज़पेपर्स थे मैगज़ीन्स थे लोगों से पूछ के भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं सोर्सेज ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं डायरीज ऑफ़ पीपल लोगों की डायरी पढ़ी गई है अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स जो ट्रेवलर्स थे उनके अकाउंट्स लिए गए हैं ऑटोबायोग्राफीज़ एंड ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज थी उनकी ऑटोबायोग्राफी ली गई है हिस्ट्री को राइट करने के लिए पॉपुलर बुकलेट्स इन द लोकल बाजार न्यूज़पेपर्स, पेपर्स रिटन आइडियाज ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्म्स रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पोएट्स एंड नोबलिस्ट्स, लिमिटेशन ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड उनकी क्या लिमिट थी जो अनऑफिशियल अनौफ, रिकॉर्ड्स थे उनकी लिमिट क्या थी दे वर प्रोड्यूस्ड बाई दोज हुअर लिटरेट जो अनऑफफिशियल रिकॉर्ड थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी जो लिटरेट पर्सन थे जो पढ़े लिखे लोग थे फ्रॉम दिस वी कांट अंडर स्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड फ्रॉम दिस वी कांट अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाई फार्मर और कॉमन पीपल तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया मिलेंगे अगले चैप्टर में धन्यवाद